हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हिमालयन ट्रेवलर में स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, एक ऋतिक सर है, एक संजय सर है। हम लोग अभी मुक्तेश्वर में हैं, तो मैं आप लोगों को मुक्तेश्वर का छोटा सा व्यू दिखाना चाहता हूं। तो चलिए, तो आप लोगों को हम लोग सीधे बिना कुछ किए एकदम हिमालयन दर्शन दिखाते हैं, हिमालय दर्शन कराते हैं। ये देखिए, और एक दिन मैं आप लोगों को ये हिमालय में लेके जाऊंगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों, अभी हम लोग डोल आश्रम पहुंचे हैं, मतलब जा तो नहीं रहे हैं, बट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा आप लोगों को इसका व्यू ना। नहीं, जा नहीं रहे हम लोग, जा नहीं रहे हैं। तो मैं अभी बाहर से दिखाता हूँ, कभी फिर कभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाऊंगा आपको डोल आश्रम का। तो ठीक है, फिर चलो देखो आप। ये है वो डोल आश्रम, मैं शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बहुत शानदार है, फिर कभी चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग पिथौरागढ़ से मॉर्निंग में कितने बजे निकले थे? 7 बजे। 7 बजे निकले थे। तो अभी हम लोग भीमताल पहुंच चुके हैं, 2 बज गए हैं। रास्ता थोड़ा सा खराब था, हम लोग खुटानी वाले रास्ते से रामगढ़ से होते हुए आए थे। मुक्तेश्वर भी हम लोग बीच में रुके थे, आप लोगों को पीछे आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो अभी हम मार्केट की तरफ चले जा रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यू है सामने पे, लेक और हम और आप जो हमें देख रहे हैं। तो अभी आगे कुछ हल्का फुल्का पेट पूजा करते हैं, भूख लग गई है। पराठे दबाए थे धनिया में, उसके बाद अच्छे बनाए थे पराठे। तो फिर उसके बाद अगर बोटिंग करते हैं और कुछ भी करते हैं, और पैराग्लाइडिंग का सोच रहा हूँ मैं, लैंड कराने वाला जो वीडियो नहीं था उसी तरीके से बनाने का तो देखते हैं वो भी अगर होता है तो कुछ पैराग्लाइडिंग का। टाइमिंग अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है, देखते हैं अगर बनता है, कुछ कंडीशंस होती है तो वो भी करेंगे। और आप लोगों को टूर कराते हैं फिर भीमताल का। चार्जेस, बोटिंग के चार्ज कितने हैं यहाँ पे वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। अगर और भी अदर एक्टिविटीज़ होती होंगी यहाँ पे तो मैं उन सब का चार्ज बताऊंगा, क्या होता है वो सब चीज़ डिस्कस करते हैं फिर आगे आगे। बने तो रहिए हमारे साथ। आप लोगों ने मेन रोड से आने के बाद ये जो ये ब्रिज आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग अंदर को जाते हैं, तो यहीं पे हमें सारी चीज़ें मिलेंगी और मार्केट भी यही है भीमताल की। तो यहाँ पे एक छोटा सा भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी है, तो आप लोग मंदिर दर्शन भी कर सकते हैं अगर आप लोग घूमने आते हैं तो। ये पीपल का पेड़ है, ये सामने मंदिर है, और बाकी ये देखिए झील के किनारे आराम से मस्त हो के हम लोग घूम रहे हैं। और झील में देखो क्या प्यार से बतके तैर रही है, पूरा का पूरा लाइन में सीक्वेंस में। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ हाँ, ये है, ये खोलिया, ये है, ये देखा, शांत हो गए बोल रहे आओ। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बोल रहे बतख चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिमालयन ट्रेवलर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो ये पूरे के पूरे समंदर का मैं बेताज बादशाह जैक स्पैरो। तो आप लोगों को भी अगर आना है यहाँ शिप में तो आ जाना। अब नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग सामने जो भीमताल, ये जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भीमताल एक्वेरियम है। तो पता करते हैं ये टाइमिंग क्या है इसकी खुलने की, नहीं तो यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। इसमें बाईपास जो होता है वो होता है इधर से, जो मैंने अभी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाला वो पकड़ा था, वो एक्चुअल में पानी के फ्लो को कम ज़्यादा करने के लिए था। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ से बाईपास होता है, पानी निकासी। तो ये दोस्तों
आप आगे आराम से यहाँ पर को एकदम झील का आनंद ले सकते हैं। देखिए ये और सामने बहुत सारी बोटें मिल जाएंगी आप लोगों को, देख लीजिए। तो पहुंच चुके हैं हम लोग भीमताल मार्केट में। खुला, मुझे तो भूख लग रही है यार, कुछ खाते हैं। साइड में यहाँ पर को आप लोगों को मैगी मिल जाएगी आपको। स्पेशल वेज मोमो मैगी भी मिल जाएगी। आ रहे हो क्या? मछली नहीं मार सकते आप लोग। इतने ताकि यहाँ आके आप लोग सोडा पी सकते हैं। तो दोस्तों ये है हम लोगों का जहाँ से हमें बोट मिलेगी। तो एक बार चलते हैं काउंटर में। दोस्तों यहाँ तो बात नहीं बन पाई हमारी, क्योंकि ये बड़ी वाली बोट है आप देख रहे हैं ना, हम दो लोग हैं तो हम लोगों को खुद का चलाने वाली चाहिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चलाएंगे और उधर तक एक कुछ डिस्टेंस है वहाँ तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ से वापस देंगे। तो हमने बोला चलो हम सिंगल वाला ढूंढते हैं। तो लेकिन हाँ, इसके प्राइस 240 से लेकर 300-350 के आसपास तक का है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी डिस्टेंस तक जाना है। वो बोल रहे थे आगे से मिलेगी, तो हम लोग आगे को निकल लिए। अच्छा सामने है ना, तो ये है यहाँ पर को आप लोग कॉस्ट देख लीजिए। अगर आप लोगों को पैडल वाले के कॉस्ट चाहिए तो 4 सीटर का 350 रुपये और 2 सीटर का 250 रुपये। बाकी ये सारी की सारी बोट है, आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग ले जा सकते हैं। टाइमिंग आप लोगों ने देख ली होगी क्या है। जैकेट पहना दिया मुझे, बोले जैकेट जरूरी है। और आधा घंटा आप लोग घूम सकते हैं, 250 रुपये में बात बनी है, ठीक है, यूनियन का रेट है बोले। तो हमने बोला चलो ठीक है यार, क्या करना ना। तो ये सर बोल रहे हैं ना, मैंने बोला यार कोई गर्लफ्रेंड होती मेरी साथ में बैठा था, अभी तो सर है तो सिंगल है हम लोग ना, तो सर के साथ ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कमान मुझे दे दी गई है शिप की, और कप्तान जैक स्पैरो अब शिप को चलाते हुए। और यहाँ पर को एकदम सख्त हिदायत दी गई है कि आप लोग क्या बोलते हैं सीट बेल्ट का यूज, क्या बोलते हैं कमर की पेटी कस लीजिए, मतलब कि लाइफ जैकेट का आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है, हम लोग करेंगे। और अब देखिए फिर अब कैसे आपके कप्तान आपको सवारी कराते हैं झील की, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये है हमारी कमान। अरे 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 दादा, चलो 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 बताइए आप लोगों को किधर जाना है दोस्तों। चलो कम ऑन, देखना याद रखना कि कौन से वाले में आए हैं, बहुत सारे होते हैं ना बोटिंग पॉइंट। खुलिया सर अरे खुलिया, देख 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 पांव दर्द हो गए बोट चलाते चलाते। हाँ तो दोस्तों अब कुछ बातें कर लेते हैं बोट चलाते चलाते। हम लोग बहुत टाइम बाद वीडियो डालता हूँ, उसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। एक्चुअल में क्या रहता है कि मैं और भी काम करता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। हाँ लेकिन अब कुछ टाइम के बाद प्रॉपर वीडियो डालूंगा। और बोट का चार्ज आप लोगों को बता दिया था 250 रुपये, और आधा घंटा करेंगे आप लोग, उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो 5-10 मिनट तो चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर को बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, आप वो लोग वहाँ पे मैगी खा सकते हैं, राजमा चावल, मतलब सब कुछ। और हाँ आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर आप लोग जाके आप लोग रनिंग कर सकते हैं पूरे के पूरे पानी में। इसका जो चार्ज है 200 रुपये पर हेड है,
और अभी हम लोग मोड़ देते हैं गाड़ी को। ये देखिए पूरा का पूरा बूटे लगी हुई हैं, कोई सी भी बूट आप ले सकते हैं, हमारा तो अपना डक है। दोस्तों ये है आप लोगों का बोट हाउस, आप लोग देख सकते हैं पूरा नदी के बीचों बीच में बनाया। अंदर इसमें एक्वेरियम रखे हुए हैं और पर हेड यहाँ पर को 60 रुपीज़ इसका टिकट है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं, फिशेज देखना चाहते हैं एक्वेरियम में, तो आप लोग जा सकते हैं। तो अब देखिए हमारी गाड़ी आ गई है, तो हम लोगों ने चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैं भीमताल से हल्द्वानी पहुंच चुका हूं। पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसलिए साउंड अच्छी नहीं आ रही होगी, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूं। तो मैं अभी ब्रिजलाल हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूं और मैं बैकवर्ड अगर दिखाऊं पीछे मुड़ के, तो मेरे पीछे है KFC बुड्ढे की फ़ोटो, केंटुकी फ्राइड चिकन KFC, और साथ में बहुत सारे शोरूम हैं अलग अलग ब्रांड के अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी है तो। और यहाँ से 100 मीटर दूर अगर इस रूट में जाएंगे आप लोग तो यहाँ आप लोगों को वॉक वे मिल जाएगा। और बाकी अगर आप लोगों ने रोडवेज स्टेशन जाना है तो इधर इस तरफ आप लोगों को रोडवेज स्टेशन मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने मूवी टिकट ली है पति पत्नी और वो, तो उसका टाइम वो पता नहीं कौन है, अभी देख के बताऊंगा मैं आप लोगों को कौन है। उसका टाइमिंग है 5:30 का, तो अभी बज रहे हैं 5, तो हमने बोला चलो इधर आके KFC में जाया जाए। तो मेरे साथ, मैं तो वैसे वेजिटेरियन हूँ बट मेरे साथ जो है नॉन वेज है, तो मैंने बोला चल तेरे को अभी KFC लेके जाता हूँ। तो चलते हैं KFC, फिर उसके बाद वॉक पे जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम लोग KFC में जाके अभी वॉक पे जा रहे हैं, तो ये सामने मेरे आप लोग देख सकते हैं वॉक पे, तो यहाँ पे हम लोग मूवी देखेंगे, बाहर के डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो चलते हैं फिर वॉक पे, किया जा रहा है और ये फर्स्ट टाइम चढ़ रहा है। दोस्तों 5:30 का टाइमिंग है, तो अभी हम लोग उससे पहले पहुंच गए, तो अभी इधर उधर घूम रहे हैं और हम लोग विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, खाली देखना टाइम पास करना। उसके बाद अभी है टाइमिंग तो घूमते हैं आप लोग। तो दोस्तों अभी रात हो चुकी है, मूवी देख के आ गए हम लोग, तो रात की बात ही कुछ और होती है। तो अभी डिनर करने के लिए हम लोग दिख रहा है नहीं दिख रहा है समा में आए हैं, तो समा वेज, मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो समा वेज में आए हैं। बहुत ज़्यादा फेमस है समा का नॉन वेज, अगर आप लोग हल्द्वानी गए हैं तो आप लोग जानते होंगे। तो डिनर करके बात करता हूँ आप लोगों से। ओके पहुँच चुके हम समा में, अभी कुछ वेजिटेरियन ले रहे हैं, मेरे चक्कर में दावी वेजिटेरियन ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अभी ऑर्डर किया है हम लोगों ने दाल मखानी की है, रोटी की है, सिंपल ना, तो उसके बाद करते हैं फिर समा, आप लोग देख सकते आना है। दोस्तों ये है समा का नॉन वेज वाला, आप लोग देख लीजिए कितनी भीड़ हो रही है और पैकिंग यहाँ पे होती है समा की, तो कभी आप लोग आएंगे तो ये देख लीजिए। बस अड्डे से थोड़ा सा 100-200 मीटर अंदर होगा, है ना, बस अड्डे से 200 मीटर अंदर ना, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ, बहुत ही वेज नॉन वेज का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों वॉइस ओवर करते हुए मैंने वीडियो को क्लोज कर देना है अब, तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हिमालयन फैमिली को बढ़ाइए और अपना प्यार ऐसे ही बनाइए रखिए।